सरदार शहर में असली नकली किन्नर विवाद, एक पक्ष ने एसपी दफ्तर पहुंच लगाई न्याय की गुहार। चुरू जिले के सरदार शहर में असली नकली किन्नर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक पक्ष ने एसपी दफ्तर पहुंच मामले की जांच करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बीकानेर और सरदार शहर से एसपी दफ्तर पहुंचे किन्नरों ने बताया कि सरदार शहर की कोमल उर्फ छोटू ने उन पर आरोप लगाया था कि वह नकली किन्नर हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन पर आरोप लगाया गया कि मोनिका और मोंटी लड़का है, जबकि उन्होंने अपने गुरु की सेवा की है। उन्होंने कहा कि वो गलत बोल रहे हैं, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। उनके द्वारा मोनिका और मोंटी को धमकी दी जा रही है, जो कि गलत है। श्री कृष्णा राधे राधे, मैं मुस्कान बुआ जी बीकानेर की हूँ, गादी पे बैठी हूँ और मैं यहाँ पे आज चूरू में आई हूँ, एसपी साहब के पेश हुई हूँ। ये मोनिका भाई है और ये मोंटी है, ठीक है। ये आपके गुरु के पास रहते रहते आज 20 साल हो गए, आज इनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लग रहे हैं। कहीं ये लड़का है सरदार शहर में, कहीं ये लड़का है फलाना है ढिमका, ये तो लड़का है तो आदमी है। तो आज इन्होंने आपके गुरुओं की सेवा करी, आज आपके गुरुओं की गद्दी पे बैठे हैं, इनको बिठाया गया है, ठीक है। हम लोगों ने बिठाया, इनके गुरुजी ने बिठाया, आपके गुरु की सेवा करी है। तो लड़का तो वही है जो वो कुलदीप है ना छोटू, और ये कोमल, ये खुद लड़का है, ये हमारे जैसा नहीं, हमारे समाज का नहीं। हमारे समाज का किन्नर कभी ऐसा नहीं करता है, गलत गलत ऐसा नहीं करता है। तो मोंटी, इसको मोनिका बाइक और मोंटी को बदनाम कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है जबरदस्ती। ये मैं आज यहाँ पे चूरू में आई हूँ, एसपी साहब के पेश हो रही हूँ और भी आगे कानून में जाऊंगी और मेरे इंसाफ लेऊंगी, इंसाफ की बात ही लगाऊंगी मैं।